देखिए, मकान संपत्ति से आए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आए, कौन कौन सी आय मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य होगी और कर मुक्त होगी? क्लियर? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आय का क्षेत्र। किसका क्षेत्र? आय का क्षेत्र, मकान संपत्ति से आय का क्षेत्र। तो लिखिए, मकान संपत्ति से आय का क्षेत्र, मकान संपत्ति से आय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इनकम। देखिए, मकान संपत्ति से आय का क्षेत्र, देखिए इसका मतलब यहां पर यह है कि हम मकान संपत्ति शीर्षक में उसी आय को कर योग्य करेंगे जब ये तीन शर्तों की पूर्ति हो। कितनी शर्तों की पूर्ति हो? ठीक है, जब तीनों शर्तें एक साथ पूरी हो तभी हम किसी चीज को मकान संपत्ति शीर्षक में क्या करेंगे? कर योग्य करेंगे। तो शर्त सबसे पहली है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट में लिखिए आय मकान या आय मकान के साथ लगी हुई, मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त लिखिए, करदाता मकान का स्वामी हो, करदाता मकान का स्वामी हो। क्लियर? आप मकान संपत्ति शीर्षक में किसी आय को कर योग्य कर रहे हो तो वो तीन शर्तें होना जरूरी है। आय, आपको कोई भी आय हो रही है मकान से, तो वो मकान आय मकान या मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो, या तो मकान से हो इनकम या उसके साथ कोई भूमि लगी हुई है उससे हो। दूसरी शर्त है कि करदाता जो भी कर चुकाएगा मकान का स्वामी होना चाहिए, वो तभी उसका वो किस में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। क्लियर? ठीक है, किराएदार है, किराएदार थोड़ी टैक्स देगा, मकान का स्वामी कर पे करेगा। तो दो कंडीशन क्लियर। तीसरी कंडीशन लिखिए, करदाता मकान का प्रयोग, करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पैसे, स्वयं के व्यापार या पैसे के लिए न करें, ये तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। देखिए, मकान संपत्ति से आय का क्षेत्र है, मकान संपत्ति से आय का क्षेत्र है और मकान संपत्ति शीर्षक में आय को तभी कर योग्य किया जाएगा जब ये तीन शर्तें पूरी हो। पहली शर्त है कि आय मकान या मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो। ठीक, जो भी मकान आपका कर योग्य हो रहा है उस मकान का स्वामी कौन हो? करदाता हो, कर चुकाने वाला व्यक्ति। तीसरा है, वो जो भी व्यक्ति कर चुका रहा है मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पैसे के लिए न करे, यानी कि वो उस मकान में
अपना बिजनेस कर रहा है तो फिर वो मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। फिर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन शीर्षक में टैक्सेबल होगा, चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर? तो कहने का मतलब यहां कह रहा है कि तीसरी शर्त यह है कि करदाता मकान प्रयोग स्वयं के व्यापार व पैसे के लिए न करे। ये तीनों शर्त पूरी होगी तो ही वो किस में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये था आपका स्कोप ऑफ इनकम, किसका स्कोप ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। क्लियर? आगे देखिए, आगे लिखिए, नेक्स्ट। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी मकान संपत्ति में आय कर योग्य होती है और कौन सी कर मुक्त आय होती है। मकान संपत्ति की कर योग्य आय, मकान संपत्ति की कर योग्य, पहली विदेश में स्थित मकान से आय, विदेश में स्थित मकान से आय, देखिए आपका कोई मकान है वो विदेश में स्थित है और उस मकान से आपको किराया प्राप्त हो रहा है, आय प्राप्त हो रही है, तो वो आय आपकी किस्मत कर योग्य होगी, मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य होगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिए, मकान से प्राप्त मिश्रित किराया, मकान से प्राप्त मिश्रित किराया, मिश्रित किराया का मतलब होता है मकान में जो भी सुविधाएं उपलब्ध होती है, क्लियर, पानी बिजली वगैरह की, तो उन मकान से प्राप्त मिश्रित किराया, तो वो भी आ जाएगा। क्लियर? इसमें आप दो एरो बना लीजिए, मकान से प्राप्त मिश्रित किराए में, नंबर एक और नंबर दो। फर्स्ट में लिखिए, जब मकान एवं सुविधाओं का किराया अलग अलग तय हो, जब मकान एवं सुविधाओं का किराया अलग अलग तय हो, जब मकान एवं सुविधाओं का किराया अलग अलग तय हो, फिर लिखिए, जब मिश्रित किराए में से, जब मिश्रित किराए में से, जब मिश्रित किराए में से सुविधाओं का किराया अलग से याद हो सके,
आगे हेडिंग लिखिए मकान संपत्ति की कर मुक्ता है। कौन कौन सी आय मकान संपत्ति में क्या होगी? कर मुक्त। कर मुक्त आय मकान संपत्ति की कर मुक्त आय। और इसमें लिखो कृषि भूमि पर स्थित मकान, आपका कर मुक्त होगा कृषि भूमि पर स्थित मकान। कृषि भूमि पर स्थित मकान, कृषि भूमि पर स्थित मकान। नेक्स्ट, भूतपूर्व राजा का महल, भूतपूर्व राजा का राजा के महल। नेक्स्ट, एक और बताया था ना आपने, स्वयं के व्यापार व पेशे में प्रयुक्त मकान, करदाता द्वारा स्वयं के व्यापार या पेशे में प्रयुक्त मकान भी आपका क्या होगा? कर मुक्त होगा। और आपका नेक्स्ट लिखिए, विशेष संस्थाएं, संघों, विशेष संस्थाएं संघों, विशेष संस्थाओं संघों या स्थानीय सत्ता की मकान से आए, या स्थानीय सत्ता की मकान से आए, विशेष संस्थाओं संघों या स्थानीय सत्ता की मकान से आए। देखिए ये चार, कोई भी आपका मकान है वो कृषि भूमि पर स्थिर है, एग्रीकल्चर लैंड पर वो मकान है तो वो आपका टैक्स फ्री होगा। दूसरा, राजाओं के जो भी महल वगैरह होते हैं वो भी आपका टैक्स फ्री है। करदाता द्वारा कोई भी मकान है, करदाता उसको उस मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार और पेशे में उपयोग में लेता है तो भी वो क्या होगा? टैक्स फ्री। और विशेष संस्थाओं संघों या स्थानीय सत्ता की मकान से आय भी आपकी क्या होगी? कर मुक्त होगी। क्लियर? तो आपको देखिए मैंने यहां पर तीन चीजें बताई, एक तो शर्तें बताई कि कौन को, तीन शर्तें पूरी होगी तो मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य होगा। पहली शर्त थी मकान या मकान के साथ लगी हुई भूमि पर स्थित हो। दूसरी शर्त थी आपकी करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार और पेशे के लिए का उपयोग न करे। और तीसरी शर्त थी करदाता मकान का स्वामी हो। यहां पर मकान संपत्ति की कर मुक्त आय, कृषि भूमि पर स्थित मकान है, भूतपूर्व राजा के महल है, करदाता द्वारा स्वयं के व्यापार और पेशे से प्रयुक्त मकान। क्लियर? तो ये आपका यहां पर टैक्स फ्री होगा, इनकम एग्जम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वा देखिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना। देखिए मकान संपत्ति
की कर योग्य आय की कर योग्य आय की गणना। मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, क्लियर। इसमें देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना कैसे की जाती है, ये आपको इसमें दो फॉर्मेट बता रहा हूं मैं। देखिए यहां पर देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मकान दो तरीके से होगा। मकान कितने? दो। एक तो है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। कौन सा हाउस होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। और एक आपका कौन सा होगा? लेट आउट हाउस। क्लियर। एक तो जिसमें आप स्वयं रह रहे हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, और एक होता है लेट आउट हाउस। तो कहने का मतलब होता है कभी भी किसी भी मकान का वार्षिक मूल्य का निर्धारण करना है तो दो तरीके से किया जाता है। स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त मकान के वार्षिक मूल्य का निर्धारण और किराए पर उठाए गए मकान के वार्षिक मूल्य का निर्धारण। तो देखिए यहां पर मैं ले रहा हूं लेट आउट हाउस और यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। लेट आउट हाउस और आपका कौन सा? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया पार्टिकुलर्स। ध्यान से देख लेना, यही फॉर्मेट बनेगा जो भी आप क्वेश्चंस को हल करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्लियर, ठीक है। उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है, देखिए सबसे पहले ए ए आता है इसमें और ए बोला जाता है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू यहां लिख देंगे। फिर आपका बी आएगा फेयर रेंट। ये लिख दिया। यहां पर सी आएगा, देखिए सी। इन दोनों में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में विच एवर इज मोर ए एंड बी, जो ए और बी था उसमें सबसे अधिक जो होगा वो यहां लिख देंगे डी। स्टैंडर्ड रेंट ई विच एवर इज लेस सी एंड डी, जो आपका सी और डी है उसमें जो भी कम होगा वो यहां आ जाएगा। फिर आपका रेंट रिसीव्ड यहां लिख देंगे। इसमें से हम घटाते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। इसका मतलब है आपने मकान किराए पे दिया है और उस किराएदार से जब किराया वसूल नहीं होता है तो उसे बोला जाता है अनरियलाइज्ड रेंट।
ठीक है, इसे बोलेंगे एफ। देखिए एफ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, और इसको यहां लिख देंगे। उसके बाद इसमें से और इसमें से, इसमें और इसमें, ई और एफ में वो जी आएगा, विच एवर इज मोर, ई एंड एफ। इसमें से लेस कर देंगे वैकेंसी पीरियड रेंट। इसका मतलब ये होता है, आपने आपने मकान बना रखा है और अभी तक वो किराए पर नहीं उठा उठाया गया, अर्थात किराए की तलाश चल रही है, खाली है मकान, आपको किराए पे देना है, लेकिन 2 महीने वो किराए पे नहीं गया, बाकी 10 महीने चला गया। तो वैकेंसी पीरियड रेंट की, अर्थात आपका बिना किराएदार के कितने महीने आपका मकान खाली रहा, वो होगा आपका वैकेंसी पीरियड रेंट। उसके बाद देखिए जी के बाद, यहां जब भी आप वैकेंसी पीरियड रेंट घटाएंगे तो आपकी आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसे बोला जाता है सकल वार्षिक मूल्य, और इसमें से हम घटा देंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स घटा देंगे तो आपकी आएगी नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू क्या आ गई आपकी, नेट एनुअल वैल्यू आ गई। देखिए नेट एनुअल वैल्यू के बाद हम इसमें से लेस करेंगे, एक तो स्टेचुअरी डिडक्शन, डिडक्शन नंबर एक, स्टेचुअरी डिडक्शन, और ये होती है 30%। कितनी होती है रे? और 30% 30% होती है, और किसकी होती है, जो आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगी उसका 30% निकाला जाता है। और उसके बाद इसमें आपकी सेकंड जो कटौती आती है वो आती है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन, और यहां पर आपका ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इस तरीके से आपका लेट आउट हाउस है तो उसमें आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए ए आता है आपका म्युनिसिपल वैल्यू, बी आएगा फेयर रेंट, सी आएगा विच एवर इज मोर ए एंड बी, डी आएगा स्टैंडर्ड रेंट, उसके बाद ई विच एवर इज लेस सी एंड डी, फिर आएगा रेंट रिसीव्ड, उसमें से घटाएंगे अनरियलाइज रेंट, तो आपका एफ पॉइंट आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, और उसके बाद विच एवर इज मोर ई एंड एफ, तो आपका आएगा क्या, विच एवर इज मोर, उसमें से लेस करेंगे वैकेंसी पीरियड रेंट, तो आपकी आएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से घटाएंगे म्युनिसिपल टैक्स,
तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू। फिर दो कटौती दी जाती है अंडर सेक्शन 24 के तहत, एक तो वैधानिक कटौती स्टेचुअरी डिडक्शन और दूसरी इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। इसमें दो प्रकार का ब्याज होता है, आयगत प्रकृति का ब्याज और पूंजीगत प्रकृति का ब्याज। और फिर जो बचता है वो आ जाती है आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो किसकी बात हो गई, लेट आउट हाउस की। अब बात करते हैं हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की। किसी भी मकान में आप स्वयं रह रहे हैं तो ये ध्यान रखना है उसकी जो नेट एनुअल वैल्यू होती है, देखिए नेट एनुअल वैल्यू ये उसकी क्या मानी जाती है, निल मानी जाती है, शून्य। और उसमें हम वैधानिक कटौती नहीं देते, केवल हम केवल एक इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती देते हैं और उसकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। देखिए स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की दशा में नेट एनुअल वैल्यू को निल माना जाता है, उसमें से किसी भी प्रकार की कोई स्टेचुअरी डिडक्शन नहीं दी जाती है, वैधानिक कटौती नहीं दी जाती है, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती दी जाती है। जो भी हम क्वेश्चंस हल करेंगे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो मकान लेट आउट है या वो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा नेट एनुअल वैल्यू से, अर्थात उसकी नेट एनुअल वैल्यू शून्य मानी जाती है और उसमें से केवल हम एक कटौती देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती, क्लियर। और लेट आउट हाउस है तो ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा आपका, सबसे पहले ए म्युनिसिपल वैल्यू, बी फेयर रेंट, सी विच एवर इज मोर ए एंड बी, डी स्टैंडर्ड रेंट, ई विच एवर इज लेस सी एंड डी रेंट रिसीव्ड। आपने मकान कितने रुपए किराए पर उठाया हुआ है, जैसे आपने मकान 2000 रुपए प्रति माह किराए पर दिया है, 2000 रुपए प्रति माह, तो यहां पर लिख देंगे 2000 और इंटू 12 तो कितना हो गया 24,000 रुपए साल भर का किराया हो गया। अब यहां बात आती है अनरियलाइज्ड रेंट, न वसूल हुआ किराया, हो सकता है 2 महीने का किराया वसूल ही नहीं हुआ किराएदार से। तो मकान कितने माह किराए पर उठाया हुआ था रे, 2000 रुपए प्रति माह के हिसाब से, 2 माह का किराया वसूली योग्य नहीं है, अनरियलाइज्ड रेंट है, तो 2000 × 2 इधर कितना था 4000 गए, तो यहां पर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आया 20,000। ये भी हो सकता है कि वह आपका आप किराएदार की तलाश में आपका मकान खाली रहा होगा, 1 महीने किराएदार ही नहीं मिला, तो वो होता है आपका वैकेंसी पीरियड रेंट।
क्या होता है? वैकेंसी पीरियड रेंट। अरे आ रहा है समझ में? अब देखिए हम बात करते हैं आगे यहां पर इसी से, फिर आगे लिखेंगे। देखिए पूछा जाए सकल वार्षिक मूल्य, सकल वार्षिक मूल्य किसे कहते हैं, या आपसे पूछा जाए वार्षिक मूल्य, देखिए ये वाली चीज एनुअल, अर्थात सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर का भुगतान करने के बाद जो मूल्य बचता है वो ही आपका क्या कहलाएगा? वार्षिक मूल्य कहलाएगा, शुद्ध वार्षिक मूल्य। डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड टैक्स, देखिए ये वाला नेट एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स घटा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? नेट एनुअल वैल्यू। कभी कभार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि वार्षिक मूल्य क्या है, तो सकल वार्षिक मूल्य में से नगर पालिका कर घटाने के बाद जो मूल्य शेष रहता है वो ही आपका शुद्ध वार्षिक मूल्य कहलाता है। समझ में आ गई? शुद्ध वार्षिक मूल्य नेट एनुअल वैल्यू। फिर आगे प्रश्न पूछता है कि शुद्ध वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो शुद्ध वार्षिक मूल्य का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है, जब एक मकान तो क्या हो? लेट आउट हाउस हो। जब दूसरा मकान क्या हो? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो। Yeah.